चीज मैं पढ़ती हूँ वो मैं ज्यादा टाइम तक उसको याद नहीं रख पाती, मैं भूल जाती हूँ, तो इस चीज की मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, मैं हूँ अश्वनी और एक कॉल आया आज मेरे पास एक मैडम का, तो उनकी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, इसलिए उन्होंने कॉल किया, क्योंकि वो शायद वीडियो हमेशा देखती रहती हैं, तो मैंने सोचा इसको आपको भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए उनकी बातों को। तो अभी जस्ट मैंने कैमरा भी मंगाया, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। तो बताइए क्या समस्या आ रही है, क्या किस लिए आपने कॉल किया था? जैसा कि सर मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे काफी अच्छा भी लगता है, मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे हुए हैं। आप हर एक स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं और मुझे काफी अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के। और मैंने आपके पुराने मोटिवेशनल वीडियो भी देखे हुए हैं। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, जैसा कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे मोटिवेशनल की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो कैसा रहेगा। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आपसे इस बारे में जानना था कि जो भी चीजें मैं पढ़ती हूँ, हालांकि मैं पढ़ती हूँ, काफी टाइम लगा के पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, लेकिन जो चीज मैं पढ़ती हूँ वो मैं ज्यादा टाइम तक उसको याद नहीं रख पाती, मैं भूल जाती हूँ, तो इस चीज की मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। फिर से मुझे वहाँ से रिविजन करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ जो कि मुझे सारी चीजें याद रहे। तो आपकी जो मेन जो प्रॉब्लम है आपकी, वो ये है कि आप पढ़ती हैं लेकिन वो भूल जाती हैं। हाँ जी। हाँ, एक तरफ से पढ़ती जाती हैं, दूसरी तरफ आप उसको भूलती जाती हैं, ऐसा जी। जब आप पढ़ती हैं तो आपके माइंड में कुछ और तो नहीं चलता? नहीं, चलता रहता है ना सर, बहुत कुछ चलता रहता है। हाँ, तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि फ्यूचर को लेकर ज्यादा टेंशन रहती है। फ्यूचर को लेकर मैं यही कहूंगा, अगर आपने यूपीएससी एम बना रखा है, आपको यूपीएससी करना है, तो मेरे ख्याल से आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन न लेने के बजाय आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आप एक आईएएस बनने वाली हैं, राइट? जी। तो अगर आपके मन में ये रहेगा, आपने माइंड में ये चीज रहेगी कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप उसका एक, लोग कहते हैं ना कि सपने देखना जरूरी है, जब तक सपने देखेंगे नहीं तब तक सपने पूरे नहीं होंगे, नहीं करेंगे जी। तो कई लोग आंखें बंद करके, यानी कि सोने के बाद सपने देखते हैं, सो जाते हैं सपने के लिए, तो वो सपना सपना नहीं होता, खुली आंखों से जो सपना देखा जाता है वही पूरा होता है। तो आप चीज़ों को पढ़ रही हैं लेकिन वो आप भूलती जा रही हैं, तो सबसे पहले चीज़ कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो माइंड को कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए मेरे ख्याल से। सुबह आप कितने बजे उठती हैं? 4 बजे। 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद आप पढ़ने बैठ जाती होंगी जी। हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ कम से कम आपको 10 मिनट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन जब करेंगी तो माइंड को कॉन्सनट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा योगा वगैरह कर लेंगी, 10-5 मिनट 15 मिनट, तो ज़्यादा सही रहेगा। और अपने अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि फ्यूचर को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सर होता है ना फ्यूचर के बारे में, मतलब हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक हम ही तो नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितने उनके सॉलिड तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब हमारा सिलेक्शन हो ही, इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, कि हमारा सिलेक्शन हो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अदर लोगों को देखिए वो काफी हद तक उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, और एक तो हम गांव से हैं तो उतना मतलब फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है हमें पढ़ने के लिए, और गांव में है तो हर तरह से रोक भी लगाई जाती है कि तुम लड़की हो तुम नहीं पढ़ सकती, तुम इतना नहीं आगे जा सकती, या फिर तुम बाहर में रह के नहीं पढ़ सकती। तो गाँव में रहते हुए हम यूपीएससी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज की आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया कि आपको मेडिटेशन वगैरह करना है और ध्यान वगैरह लगाना है और फोकस करना है अपने आईएएस बनने पर, है ना? फ्यूचर को ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ आईएएस बनना है तो बनना है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि गांव में रह के आप पढ़ाई कैसे कर सकती हैं, लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो तुम क्या पढ़ोगी, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें। नहीं, बाहर भी लड़कियों को नहीं निकलने देते हैं ना, क्योंकि अभी जो है अभी आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसके वजह से गांव के लोग ज्यादातर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं,
तो उसके लिए प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो घर से आप रह के यूपीएससी की तैयारी कर सकती हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकती हैं, सेल्फ स्टडी कर सकती हैं। तो आपने कहा कि गांव से लोग बाहर नहीं निकलने देते, गांव वाले कहते हैं ऐसे वैसे, तो गांव वालों की बातें मत सुनिए, आप अपना सुनिए ना, आपको क्या करना है। जो अगर हम दूसरों का सुनेंगे तो हम अपना खुद का थोड़ी सुनेंगे, आपको अपना सुनना है, हमें अपना सुनना है, हमें जो सही लगता है हम वो करेंगे। आपने एम बना लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो दिन रात एक कर दीजिए। सर आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही रिलीव फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई है जो मुझे अच्छा सजेशन दे सकता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर पाई। बहुत बढ़िया, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिससे चाहते हैं अपने मन की बात कहना, हम कह नहीं पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके सारी वीडियोस देखती हूँ, और घर में मेरे सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं, सभी लोग वीडियो देखते हैं और सभी आपके बहुत तारीफ करते हैं कि ये मतलब हर एक बेसिक चीजें को दिखाते हैं, अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखकर। मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे हुए हैं जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, पुराने तो वीडियो। मुझे हाँ जी पुराने वीडियोस हाँ, आपने कुछ डाले थे पहले जी, जी। हाँ तो मैंने उसको भी देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे कुछ क्लू मिले, कुछ मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब सुधार सकूं किसी भी एंगल से। मुझे लगता है कि मैं किसी चीज में परफेक्ट अभी नहीं हूं, तो इस वजह से मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती थी। और मुझे बहुत ही रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूं? मतलब जैसे आज मैंने आपको कॉल किया है तो मैं फिर भी आपको कॉल कर सकती हूं? चलिए ठीक है, मैं कोई ऐसा टाइम बता दीजिए जिससे मैं आपको कॉल करके मैं आपसे थोड़ी बात कर सकूं। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि इस तरह का कोई भी अभी तक ये पहला वीडियो है जो YouTube पर आ रहा है, और अगर मुझे YouTube से अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो एक समय मैं फिक्स कर देता हूँ शाम के 5 से 6 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जितने लोग आज देख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आपको अगर कोई समस्या होती है, किसी भी तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि मेरे से बात करके जैसे मैम को थोड़ी सी रिलीफ महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेरे ख्याल से पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, अब ऐसा नहीं है कि पेट दर्द हो रहा है तो कॉल कर दे ना, और बीमार पड़ गए कॉल कर दे सर मैं बीमार हो गई हूँ। और आप जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर करें।